गुड आफ्टरनून गाइस, ये मेरी वीडियो कल की है और कल तीज था तो उसे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो हैप्पी तीज टू ऑल। और जिसने भी ये तीज किया होगा उनको पता होगा कि आज के दिन कल के दिन कितना काम रहता है। तो मैं स्कूल से आने के बाद ये सारा काम कर रही हूँ। 2:30 बजे स्कूल से आई तो उसके बाद ये तुरंत काम में लग गई, क्योंकि सब ने कहा था कि इस पूजा की जो करने का टाइम जो है वो 4 बजे तक ही है। तो मेरे पास बहुत कम टाइम था, मैंने कई सारी तैयारियां कर रखी थी लेकिन पॉसिबल नहीं हो सका। तो मैं जो है आकर सीधा पोछा वोछा करके, झाड़ू पोछा करके, नहाना धोना भी फिर से सब चीज़ करना होता है इसमें, तो वो सारे काम ही करने थे। तो मैं वो सारे काम करने के लिए फटाफट यहाँ काम निपटा रही हूँ, घर के काम, उसके बाद पूजा का काम करूँगी। तो आप जो देखिए इस वीडियो को और देखिए कि इसमें कितनी तैयारियां होती है तीज की, और आप लोगों ने कैसे इस तीज को किया है वो भी बताइएगा। और यहाँ से वो सारे श्रृंगार जो तीज में किए जाते हैं, हालांकि मैं नॉर्मल चीज़ें नहीं करती हूँ लेकिन ये तीज के दिन मैं वो सारी चीज़ें अपना पहन ओढ़ लेती हूँ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं पूरी श्रृंगार की जाती है, तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जितने श्रृंगार आपने देखे सब मेरी बेटी कर रही थी, क्योंकि जल्दबाजी में थी। और अब मैं तैयार होके आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने। तो पहले फ्रूट्स वगैरह सारा निकालूंगी, धोऊंगी, तो एक एक करके पहले वो निकालती हूँ। इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये मैंने सारे फ्रूट्स को पानी से धो दिया अच्छे से, और इसको अब जाके मैं अरेंज करूँगी। जहाँ इसको अरेंज करना है तो दो जगहों पे इसे डिवाइड करना होता है। तो पहले जो है मैं भगवान का पहले आसन अलग से बना लेती हूँ। शिव पार्वती जी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे विराजमान होती हैं। ये फ्रूट्स मैंने जो है पूरी तरह से अब धो धा के यहाँ पर मैं तैयार कर लिया। यहाँ पर 7 तरह का फ्रूट है
और ये दो जगह मैं तैयार करती हूँ, एक पंडित के लिए होता है एक घर के लिए होता है, तो दोनों में ही बराबर चीज़ें जो है वो पड़ती हैं। तो एक एक करके मैं सभी फ्रूट्स जो है उसमें डालूंगी, फिर श्रृंगार का भी इसमें जितना सामान होता है उतना मैं डाल दूंगी। इस टोकरी में कुछ मिठाइयाँ भी जाती हैं, आपको जैसा भी मिठाई डालना है पकवान के तौर पे वो डाल दीजिए। तो मैं रेडीमेड ही डालती हूँ, इतना टाइम नहीं होता अभी नॉर्मल इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए पूरा सफाई वफाई पूरा करना होता है, धोना धाना पूरा सब चीज़, तो उतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए रेडीमेड ही मैं शुरू से चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे मेरी सारी टोकरी जो है वो तैयार हो गई है, श्रृंगार का सामान भी रख दिया, और ज़्यादातर श्रृंगार का सामान मैं माँ पार्वती के आगे रख दी हूँ। जितने भी चुनरी बिंदी लिपस्टिक कंघी काजल जितने भी चीज़ें होती हैं कपड़े जितने होते हैं वो मैंने रख दिए हैं, और यहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स का अब सारा चीज़ रखा हुआ है, कुछ सामान और भी रखे हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे मेरी आरती हो रही है, पूजा का ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती तो मैंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया, और सारा चीज़ चढ़ा कर उसके बाद कथा पढ़ के और अब जो है मैं आरती कर रही हूँ। और अब आरती करने के बाद मैं एक जगह और, मेरे गणेश जी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं उनकी पूजा करने आई हूँ, और साथ ही साथ मैं जल चढ़ाने आई हूँ, तुलसी जी को भी बाहर में जल चढ़ाऊँगी, तो इसलिए अब मेरी पूजा वहाँ की घर की कंप्लीट हो गई है, तो मैं इधर की ओर निकल गई हूँ। और इस तरह जल्दी जल्दी करते हुए करेक्ट 4 o'clock जो है शाम के मेरी जो है पूजा कंप्लीट हो गई। मैं चाहती हूँ कि टाइम से ही मेरी पूजा ख़त्म हो, तो 4 बजे ही ख़त्म मैंने कर दी है। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को आज हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरतालिका तीज है और हमारी भी ये लिए भी हमारे भी बिहार में मनता है ये तीज, तो मैं भी ये तीज रखती हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने कल बहुत तैयारी करके रखी थी कि साड़ी पहनूंगी या फिर सारा चीज़ पहनूंगी, लेकिन उतनी छुट्टी मिली नहीं स्कूल से, तो फिर फटाफट इसका मुहूर्त होता है तो 4 बजे तक का ही मुहूर्त था, तो फिर बहुत मुश्किल हो गया, फिर नहीं पहन सकी मैं। ये लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं पहन सकी, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि मैं कपड़े भी रखी हूँ, अपने सूट भी रखी हूँ, स्कर्ट भी रखी हूँ और साड़ी भी रखी हूँ, तो इसलिए मैंने आज ये जो है कपड़े मैं पहनी, जो मैंने आपको दिखाया ये कपड़े मैं पहन के, और मैंने जो आज की पूजा संपन्न की। और जैसे मुझे पूजा आती है वैसे मैंने वो पूजा अभी आपके सामने जितनी भी वीडियो अब में आपने देखा, मुझे जैसे करने आती है वैसे ही मैं पूजा कर लेती हूँ, और सिर्फ पूजा जो है अपने मन से करती हूँ कि जैसे आती है वैसे ही करती हूँ। तो आप लोगों को भी ये पूजा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने अगर कोई किसी ने आप में से किसी ने तीज मनाया है तो कैसे मनाया है और कब मनाया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरा फास्ट है तो आज पूरे दिन तो पानी और चाय कुछ नहीं पीना है, और कल नेक्स्ट मॉर्निंग ही जो है इसी में
पानी पी जाती है, तो अब कल ही हम लोग पानी पियेंगे। तो अभी ज़्यादा बोलने की उतनी तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि स्कूल से भी आई हूँ तो पूरा थकी हुई हूँ, और पूरा पूजा का भी पूरा पूरी तैयारी की, आके झाड़ू पोछा सब चीज़ करके फल फ्रूट्स धो के नहा धो के फिर से दोबारा से सारा जो है वो नित्य क्रम वाला जो काम होता है वो सारा किया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नया है हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये वीडियो कैसी रही या कैसी नहीं, और आपसे जो है मुझे सजेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे कहीं और रहिए, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय। और ये मेरी वीडियो कल शाम की है, प्यास के मारे तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों से वीडियो अपनी शेयर नहीं कर पाई, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।